अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डॉक्टर रेशल का विटामिन सी नाइट क्रीम और विटामिन सी फेस सीरम का रिव्यू। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। डॉक्टर रेशल के प्रोडक्ट्स की हाइप तो आप सब लोगों ने ही काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी, ठीक है। जैसे कि आप सब लोग ही जानते हैं कि विटामिन सी के बेहद बेनिफिट्स हैं हमारे स्किन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके विटामिन सी नाइट क्रीम की। ये एक ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, ठीक है, जिसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है नाइसिनमाइड। नाइसिनमाइड आप सब लोग जानते हैं कि नाइसिनमाइड हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इवन ये हमारे पोर्स को रिड्यूस करता है, हमारे स्कार्स, डार्क स्पॉट सबको ख़त्म करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को इन्हेंस करता है, ठीक है। डॉक्टर रेशल की इस विटामिन सी क्रीम में हमारे पास नाइसिनमाइड मौजूद है जो कि कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है और आपके अपीयरेंस को इन्हेंस करता है, ठीक है, ये डॉक्टर रेशल क्लेम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ बात कर लें इसको अप्लाई करने की, तो ये एक नाइट क्रीम है जो कि आप अपना फेस को क्लेंस करने के बाद अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने इसके बेनिफिट्स की बात की हुई है कि ये कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है और आपकी स्किन को इन्हेंस करता है, आपकी अपीयरेंस को अच्छा करता है, फाइन लाइंस रिंकल्स को रिमूव करता है। और इधर इन्होंने इसके इंग्रेडिएंट्स बताए हुए हैं कि विटामिन सी तो इसका मेन इंग्रेडिएंट हो गया। विटामिन सी के अलावा जो इसमें इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वो है ग्लिसरीन, प्रोपाइल, नाइसिनमाइड, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में आ जाती हैं। इसकी प्राइस जो है वो है राउंड अबाउट 500, ठीक है, 500 के करीब ही थी, 480-490 समथिंग, ठीक है, 500 तक आपको ये मिल जाएगा। और ये क्रीम जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। इधर आपके पास इधर इन्होंने अपना बारकोड दिया होता है, आप ये बारकोड स्कैन करके चेक कर सकते हैं। मैं ये स्कैन करके चेक कर चुकी हूँ, ये क्रीम बिल्कुल ओरिजिनल है। और इसके साथ ही साथ अब मैं बात करते चलूँ इनके विटामिन सी सीरम की, ठीक है, ये इस तरह की बॉटल में आता है हमारे पास और क्रीम की पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। सबसे अच्छी बात जो है ना डॉक्टर रेशल की प्रोडक्ट्स की वो मुझे इसकी लगती है इसकी पैकेजिंग, ठीक है, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है। आप देख सकते हैं इसकी क्रीम की पैकेजिंग भी कितनी अच्छी है और इसके सीरम की भी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। सीरम की हम बात करते चलें तो इस विटामिन सी सीरम में हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड मौजूद है जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ब्राइटन अप करता है, रिपेयर करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हमारे डिसकलरेशन को, सन स्पॉट्स को, हर एक चीज़ को ठीक करता है, ये डॉक्टर रेशल क्लेम कर रहे हैं। और इस सीरम की प्राइस की बात करते चलें तो इस सीरम की प्राइस भी 500 के करीब ही थी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं मैंने 1000 में बाय की थी, ठीक। ये आप इसके सीरम की पैकेजिंग भी देख सकते हैं, इसको सीरम को अप्लाई करने का तरीका भी इन्होंने बताया। क्लेंजिंग के बाद आपने अपने फेस पे और नेक पे इसको अप्लाई करना है, सर्कुलर मोशंस में इसकी मसाज करनी है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये करके भी दिखा देती हूँ। इस तरह से इधर हमने इसे लेके 1-2 ड्रॉप्स जो है वो इनफ होते हैं, ठीक है। आपने इस तरह से जो है ना सर्कुलर मोशंस में इसको मसाज करना है और इस तरह से आपने इसको अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लेना है। क्रीम भी मैं आप लोगों को ये खोल के दिखा देती हूँ, अंदर प्रोटेक्शन के लिए इस तरह का ये मौजूद है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह की क्रीम हमारे पास वाइटिश कलर में आती है, थोड़ी सी हम ये इधर लेंगे,
ये काफ़ी ना इसका टेक्सचर जो है क्रीम का काफ़ी ग्रीसी है। ठीक है, समर्स में ये लगाना तो ना इम्पॉसिबल वाली बात है, जितनी ग्रीसी ये क्रीम है आप देख सकते हैं। इवन एब्जॉर्ब करने के बाद भी इसने जो है मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयली कर दी है। अच्छा, तो अब बात करते चलें इसके बेनिफिट्स की जो मुझे हुए हैं। अपने एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ अब इधर, तो इवन राउंड अबाउट टू मंथ्स मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और मुझे इनसे कोई भी बेनिफिट हासिल नहीं हुआ। जितने ये इसमें बातें कर रहे हैं, ब्राइटन अप करती है, एंटी एजिंग करती है, डार्क स्पॉट्स फेड अप करती है, इन दोनों प्रोडक्ट से मुझे ज़ीरो, बिल्कुल 0% रिस्पॉन्स शो हुआ है। ठीक है, इन दोनों प्रोडक्ट्स ने मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट्स नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से ये दोनों प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे ये दोनों प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इवन समर्स में तो ये नाइट क्रीम आप यूज़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी इसने मेरी स्किन को कितना ऑयली एंड ग्रीसी किया हुआ है। इवन मैं इसको मुसलसल मसाज कर रही हूँ, इसके बावजूद ये मेरी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो रही। ठीक है, ब्राइटन अप करना तो दूर, ये आपके ना कोई डार्क स्पॉट, कोई एक्नी स्पॉट्स, किसी भी चीज़ को जो है वो ख़त्म नहीं करती। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स इसके नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये आपकी स्किन के ऊपर कोई भी वर्कआउट नहीं कर रही। इवन मेरे साथ साथ मेरी 2-3 फ्रेंड्स ने भी ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं अपने स्किन पे एंड सेम रिजल्ट्स, उन्हें भी कोई रिजल्ट शो नहीं हुए। ठीक है, मेरी तरफ से ये दोनों प्रोडक्ट्स डॉक्टर रेशल के नॉट रिकमेंडेड हैं। आप जानते हैं कि मेरी जो वीडियो है वो बिल्कुल नॉट स्पॉन्सर होती है। ठीक है, मैं जो बात करती हूँ अपने रियल एक्सपीरियंस की बेस पे करती हूँ। प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से यूज़ करने के बाद ही मैं इनका रिव्यू, इनका फीडबैक रिकॉर्ड करती हूँ, और ये रिव्यू बिल्कुल 100% ऑनेस्ट है। ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये प्रोडक्ट्स वर्कआउट नहीं करते स्किन पे। ठीक है, ये बिल्कुल फेल है मेरी तरफ से। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट आप लोग किस प्रोडक्ट का रिव्यू देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।